अच्छी तरीके से मिक्स कर, क्या लाते हैं इस गट्टू के अंदर, देखे माशाल्लाह से ही मेरा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग, उम्मीद है सब ठीक होंगे अल्लाह के करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो सुबह के टाइम में मैं, जैसे आपको पता है, बकरों के पास आती हूँ। ये रहे मेरे बकरे माशाल्लाह से खड़े हैं, ठीक है। अब इनका खाने का टाइम, आज जो है हमारा क्या होने वाला है, हम इनकी कर देंगे खुराक चेंज। ये देखें अंदर से बोल रहा है, खुराक हम यूँ चेंज करेंगे। पहले मैंने आपको दिखाई थी हम तूड़ी और इनको रोटी देते थे, अब इनकी है खुराक चेंज बिल्कुल सस्ती। आपको वीडियो तक एंड में बने रहना, मैं वो खुराक बना के आपको दिखाऊंगी जी, ठीक है। तो फिर जी स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या बनाना है। जो है हम अपने बकरों को जो है ना, हम इनको बांध देते हैं बाहर, फिर जी कोई इनका खाना बनाते हैं। चले जी, माशाल्लाह से मैंने पर्दा यहाँ से हटा दिया। अब जो है इनको जो है बाहर बांध देते हैं जी, फिर आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से हमारे बकरे। ये रहे, फिर जी इनकी खुराक स्टार्ट करते हैं। अभी हम इनको एक एक करके मैं दोनों को यहाँ बाहर बांध देती हूँ जी। जो मैं हम जो है कल लाए थे खुराक बकरों की, तो आपको दिखा देते हैं खुराक हम क्या लाए थे। इस गट्टू के अंदर है वो, आपको पता लग ही गया होगा। अगर पता नहीं लगा तो मैं बताती हूँ, ये है खल। ये बकरों की, कहीं भी आप जाएंगे स्टोर से, आपको जो है खल मिल जाएगी बकरों की जगह से, ठीक है। इसको हमने पानी में जो है भिगो देना है, ठीक है। हमने थोड़ी बहुत खल लेनी है और इसको जो है भिगो देना है पानी में। ये देखें, ये पानी में भिगो देंगे। खल जो है आपको किसी भी स्टोर से मिल जाएगी, आपने जो है पानी के अंदर भिगो देनी है बिल्कुल भी। ये देखें, बिल्कुल आपने जो है पानी में भिगो देनी है खल लेकर, ठीक है। बाकी जो है आगे का मैं प्रोसेस दिखाती हूँ कि इसके अंदर हम और क्या ऐड करेंगे जी। अब मैं बताती हूँ कि हमने बकरों की खुराक तैयार करनी कैसे, ठीक है। ये हमारी खल भीग रही है, ये ले ली हमने रोटी, ठीक है। रोटी हमने पिछले में भी डाली थी, रोटी इसके अंदर डाल देंगे हम। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, आपके घर की रोटी बची हुई रात की होती है, आप वो भी इनको डाल सकते हैं भीग, बट आपने बस रात को भिगो देनी। ये बन जाएगी ऐसे हलवा, ये ऐसे जो है आपकी रोटी हलवा बन जाएगी। ये देखें, ये देखें, ये आपकी रोटी हलवा बन जाएगी। आपकी इतना सा भी रोड़ा इसमें नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये हलवा बन जाएगी रोटी आपकी जो है हलवा बन जाएगी। आपने बिल्कुल जैसे आटा, आटे को ऐसे ऐसे करते हैं ना, आप इसको भी बिल्कुल ना इसको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ये देखें, इसमें ना रोटी के अंदर ना बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। देखें मैंने जैसे किया है, इसके अंदर इतना सा भी पानी नहीं है, ठीक है। ये देखें, ये सारी कर दी है। अब रोटी जो होती है, रोटी के अंदर जो है हमने करना होता है सोडा। सोडा जो है हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। ये सोडा ले लेते हैं हम, ये सारा जो है हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि सोडे से जो है इन्हें रोटी हज़म होगी, सोडा जो है इनकी रोटी हज़म करेगा, ठीक है। तब तक हमारी खल भीग रही है, देखते हैं हमारी खल भीगी है कि नहीं। तब तक इसको हम ऐसे ही जो है इसको मैश ऐसे ऐसे करते रहेंगे, ठीक है। चलिए जी, खल को अपनी देख देखते हैं। खल जो है हमारी भीग चुकी है, ठीक है। भीग चुकी है हमारी खल बिल्कुल, ये ना ये देखें ऐसे हो गई है बिल्कुल, ठीक है। अब हमने जो है खल को इसके अंदर अच्छी तरह इसका पानी निचोड़ कर अच्छी तरह इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। मैं सारी खल इसके अंदर डाल के तो फिर जी मैं आपको दिखाती हूँ जी। सारी खल मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब जो है हम इस खल और रोटी को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको जो है रोटी और खल को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। अभी हमने मिकदार कम रखी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रोटी जो है, रोटी जो बकरे खा लेते हैं, रोटी की मिकदार भी कम है क्योंकि इनका पेट ख़राब ना हो, एक दफ़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे दो बकरों की खुराक है, ठीक है। ये हमारे दो बकरों की खुराक है, देखिए ये ऐसे बन जाएगी सारी, ठीक है। अच्छी तरीके से मिक्स करके जी, सोडा आपने ज़रूर ऐड करना है। सोडा आप ऐड नहीं करेंगे आपके बकरों को हज़म नहीं होगा, ठीक है। सोडा आपने ज़रूर ऐड करना है, ठीक है। एक बकरे को आपने वो देखे बाहर, वो चीखे जा रहे हैं, इसको चीखने दे। तब तक हम अपना खाना बना रहे हैं और उसको देते हैं। मैं हिस्सा बांट कर लेती हूँ अब इसको और इसको, फिर जी मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम अपने बकरों को दे देंगे। पहले जी है हम अपने देंगे राजू को, माशाल्लाह से आपको दिखाएंगे कि ये बकरे हमारे खाते हैं कि नहीं। ये देखें, ये कैसे पागल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। ये लीजिए,
ये लीजिए हमारे बकरे को दे दिया। अब जी ये गोने का उठा लेते, गोने का यहाँ पे रखा हुआ है, चल गोने को दे देते हैं हम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलो जी हमें अपने गोने को भी दे दिया। चले जी आपको दिखाती हूँ मेरा बकरा खा रहा है कि नहीं। ये देखें हमारा बकरा जो है खा रहा है, आपको खिला के भी दिखा देती हूँ। ये लो ये लो ये लो ये लो, ये देखें माशाल्लाह से ये मेरा बकरा हमारा बकरा खा रहा है। आप भी अपने बकरे को खिलाएं, वो भी जो है खाएंगे। चले जी अब इसको दिखा देते हैं। ये लो खाओ। ये देखिए जी हमारा बकरा ये भी खा रहा है जी। ये है बहुत ही सस्ती खुराक, ठीक है। रात की बची रोटी आपने करनी है और खल खरीदनी है, ठीक है। तूड़ी वगैरह का आप कोई चांस नहीं, तूड़ी होती है, तूड़ी सिर्फ इनके पेट भरने के लिए होती है। ये अब इनके जान को भी लगेगी और इनका पेट भी भरेगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये खुराक अच्छी लगी होगी, व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और कोई टिप लेनी हो तो ज़रूर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।